जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता किस पर विश्वास करे। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले से प्रकाश में आया है, जहां डीआईजी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक रावेंद्र सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आधा सैकड़े की संख्या में पहुंचे लोगों ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है और उक्त रेस्टोरेंट को वास्तविक मालिक को सुपुर्द करने तथा उसके अंदर संचालित अवैध गतिविधि को बंद करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि उक्त आरक्षक का मित्र अमित सोनी साथ में रेस्टोरेंट शुरू किया था, जिसके सभी कागजी दस्तावेज अमित कुमार सोनी निवासी मुकुंदपुर थाना ताला के नाम से है। युवक ने बताया कि आरक्षक उसका मित्र था और उसी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चला रहा था, लेकिन बीच में आरक्षक की नियत बदली और संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसने सामान थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के सामने माउंट व्यू नाम से बिल्डिंग की छत पर रेस्टोरेंट चला रहा था, जिस पर उक्त आरक्षक गलत गतिविधियां संचालित करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब संचालक अमित सोनी ने इनकार किया तो रेस्टोरेंट पर ही कब्जा कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। डीआईजी कार्यालय ज्ञापन देने आया हूँ क्योंकि एक रविंद्र सिंह आरक्षक है, मेरा मित्र था, अब वो क्या है कि मेरे साथ गलत कर रहा है, रेस्टोरेंट में अवैध कब्जा कर रहा है, कब्जा किया हुआ है और वहाँ अनौपचारिक चीज़ें कहीं नशाखोरी ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ करता है और पैसे का भी गमन किया है। मैंने बोला भी, उसने बोला कि दूंगा दूंगा, लेकिन अब बोलता है नहीं दूंगा, मानने की धमकी देता है, कहीं किसी से फ़ोन लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। कब्जा कैसे कर लिया कि आप पार्टनर में उनसे कर रहे थे साथ में क्या? हाँ पार्टनर में था, लेकिन मैंने जब बोला कि भाई आप पैसा दीजिए तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं लगाऊंगा और हिस्से का आधा आधा रहूंगा। तो मैं बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कोई पार्टनर नहीं है। तो उसने मेरे से गलत तरीके से व्यवहार किया, कई लोगों से फोन पकड़ इधर उधर लगवाया, खुद मारने की धमकी भी दी, बहुत सारी चीजें। दिक्कत यही है कि हमको हमारा जो जान का खतरा है, जान का खतरा है, उसने बोला कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और कई लोगों से फोन लगवाता है। आरक्षक वो कहाँ पे है अभी? कौन? वो यहाँ आपके बंगले में रहता था, अरे डीआईजी साहब के यहाँ बंगले में, अब वहाँ से शायद डीआईजी साहब निकाल दिए हैं। आपसे बातचीत हुई है? क्या है? हाँ ऑडियो में बातचीत हुई है, गाली गलौज दिया है मेरे को, जान से मारने की धमकी भी दिया है, बहुत सारी। हाँ अरे हो गया, बहुत सारी चीजें उसने कहा। देखिए आप वीडियो सुनेंगे तो आप खुद ही सामने आ जाएंगे। एक आवेदन श्रीमान डीआईजी कार्यालय आए, डीआईजी महोदय को एक ज्ञापन पत्र दिया गया, आवेदन पत्र दिया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है कि एक सोनी जी का रेस्टोरेंट बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड के पास है, संचालित होता है। इस बस स्टैंड में एक आरक्षक हैं जो अपना कार्यालय या कार्य क्षेत्र डीआईजी कार्यालय बता रहे हैं। इनके साथ बीच में इनकी दोस्ती थी, आपस में साथ में रहते थे, ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट में अवैधानिक तरीके से वो कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करने के बाद वो दहशतगर्दी का माहौल कायम किए हुए हैं और साथ में आरडीओ, एक आरडीओ है जिस आरडीओ में पूरे रीवा जिले के अधिकारियों को अपने धमकी उनके नाम पर दे रहे हैं, अश्लील अमर्यादित अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोगों का नाम भी उसमें उल्लेख आ रहा है। उस आरडीओ को हम आप तक पहुंचाएंगे, इनके माध्यम से देंगे और साथ में उनके द्वारा बिना नियम रेगुलेशन, जो खाद्य विभाग का रेगुलेशन है, सोनी जी के नाम एग्रीमेंट है, सोनी जी के नाम लिखा पड़ी है, अनुमति है इसकी, इन्होंने एग्रीमेंट किया है,
ये इनके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विभाग के अंतर्गत इन्होंने वैधानिक अनुमति दी है। तो इनका ये कहना है कि अनुमति मेरे नाम से है, कब्जा उनके नाम में है, दहशत गर्दी के उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। यदि कुछ होता है अवैधानिक या अश्लील अमर्यादित काम होते हैं तो आखिर जवाबदारी किसकी होगी। तो आज माननीय डीआईजी साहब का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट को तत्काल सील कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। रेस्टोरेंट में जब इस तरह की सब थाने में सूचना नहीं, इसकी सूचना माननीय परसों भी दी गई है, दूरभाष से दी गई है, व्यक्तिगत तौर डीआईजी साहब के संज्ञान में है। उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमारे संज्ञान में प्रकरण आया है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ अपने कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने समकक्ष अधिकारियों को उन्होंने सूचित भी किया है और उन्होंने थाना प्रभारी जी को सूचित किया है। हम लोगों को भी कहा है कि आप जाइए उनके से मिलिए और हम माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में मिलेंगे कि इस प्रकार जो न्याय देने का सहयोग में काम करते हैं वो दहशतगर्द हो गए हैं। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा ये काम किया जाना अवैधानिक है और एक पुलिस को, एक कर्मचारी को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो रेस्टोरेंट नहीं चला सकते या उनके द्वारा एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट इनके नाम है तो निश्चित तौर से अवैधानिक है, इसमें कोई दूसरा विषय ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दो महीने से ऐसा इनको इन्होंने कहा है। हाँ, अभी उनके रेस्टो वहाँ सीसी कैमरा लगा है, सीसी कैमरा का अवलोकन के लिए मैंने उनसे कहा है, डीआईजी साहब को पेनड्राइव देने की बात कही है, जो ऑडियो है ऑडियो की भी जांच का विषय है, साइबर में जांच हो जानी चाहिए। और ये इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसा अवैधानिक काम करता है या अवैधानिक प्रक्रिया करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए एक डेलीगेट तिवारी जी और सभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय महोदय से मिला, मुलाकात की।